Hey guys, good morning. सुबह के बज चुके हैं 7 और राविया अभी सो रही है. मधु थोड़ा हमसे जल्दी उठ जाती है 6 बजे क्योंकि उसे हमारे लिए नाश्ता बनाना होता है. सो आज है वेडनेसडे, वीक डे, ऑफिस का डे. तो मैं अभी ऑफिस के लिए तैयार होऊंगा और चलिए अभी फ्रेश होने जाते हैं. ए रावू भी उठ चुका है हमारा. रावू देखिए सुबह उठते स्माइल मारता है. ये आजा लाबू, आजा 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 बाबू आजा. गाइस ये सुबह उठती है ना जब भी तो ये हंसती ही उठती है, इतनी प्यारी लगती है. देखिए आजा रावू, आजा मेरा बच्चा, आजा 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 आजा. गाइस राव्या आधा एक घंटा यहाँ छत पे हमारी मम्मी के साथ खेलती है. पूरे राव्या हेलो बोलो राबू. परेशान नहीं करती, बहुत बढ़िया गुड़िया हमारी. वो तो रोती भी नहीं है, सवेरे सवेरे उठ के सबको गुड मॉर्निंग करती है. मम्मी पापा दादी दादा को नाना नानी को गुड मॉर्निंग करती है हमारी गुड़िया. गाइस जी हमारी छत में कुछ गमले रखे हुए हैं, देखिए पूरा जो हमारी छत है आधे गमलों से भरी हुई है, देख सकते हैं. ये वाले फूल जो हैं इस मौसम में इतने अच्छे खिले हुए रहते हैं, इतने प्यारे लगते हैं छोटे छोटे फूल. चलिए गाइस मैं दिखाता हूँ मधु क्या कर रही है. गुड मॉर्निंग मधु. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग आप सबको, कैसे हो आप सब? तो देखिए मैं रोटी बना रही हूँ अभी सुबह सुबह. एक्चुअली सब्जी तो मेरे ससुर जी मतलब पापा जी बना देते हैं, तो मुझे सिर्फ रोटी बनानी होती है. हमारे घर में सब ऐसे ही मिल बांट के काम करते हैं. सुबह सुबह मेरे ससुर जी सब्जी बना देते हैं तो मैं रोटी बना देती हूँ. फिर मम्मी जी राव्या को देखती हैं, उनको उसको मालिश करती हैं. ऐसे ही हम मिल बांट के काम करते हैं. तो अभी तो मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी बना के मिलती हूँ आप सबसे. फिर मैंने ले लिए चाय और दिन की शुरुआत हमेशा चाय से करनी चाहिए. हम ज़्यादा नहीं पीता, थोड़ी सी होती है लेकिन पीनी चाहिए. क्यों मम्मी चाय पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए? अच्छा भी है, ठीक है, नहीं पीता कोई पीता भी है, अच्छी बात है. वैसे सवेरे पीना चाहिए, सवेरे थोड़ी सी चाय पीनी चाहिए. हम गढ़वाली लोग होते हैं ना, हम चाय को ज़्यादा पसंद करते. पहाड़ी एरिया से जो जो लोग हैं वो चाय को थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हम ठंडे इलाके के लोग हैं ना. मैं ज्यादा नहीं पीता, थोड़ी सी पीता हूँ लेकिन पूरे दिन भर में इतनी पीऊंगा. तो मुझे मेरी शुरुआत तो दिन की चाय पीने से होती है. हमारी राविया पीती है दुद्धू, राविया दुद्धू पीती है. राबू राविया पीती है, हम पीते हैं चाय, राव्या पीती है दूध. गाय मोस्ट ऑफ द टाइम इस टेबल के आगे खड़ी रहती है और टेबल पे खड़ी हो जाती है, नीचे बैठ नहीं पाती, फिर होने लगेगी, फंस जाएगी वहीं पे. और अभी ये टेबल को पकड़ पकड़ के तोड़ रही थी. राव्या राव्या. सो गाइस मैं रेडी हो गया ऑफिस के लिए. इतनी गर्मी है, मैं नहा के जब निकला पूरा फेस से पसीना ही पसीना. पता नहीं गर्मी आ रही है कि जा रही, कुछ समझ में नहीं आता. तो अभी मुझे मधु ने दे दिया नाश्ता और नाश्ते में बना है ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी. जनरली मैं गाइस दो ही रोटी खाता हूँ सुबह क्योंकि मुझे यहाँ से करीब 42 किलोमीटर दूर ऑफिस जाना पड़ता है डेली, काफ़ी दूर है. तो मैं जनरली दो ही रोटियाँ खा के जाता हूँ, ज़्यादा सुबह सुबह मुझे खाना पसंद नहीं है. तो चलिए खा लेते हैं नाश्ता. तो नाश्ता तो काफ़ी अच्छा, सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी है और मधु भी अपना काम करके आ चुकी है. यार मुझे एक चीज़ बताओ, ये ऊपर देखना गाइस, ये टेडी ये सजाने के लिए रखा है, डराने के लिए रखा है? कभी कभी अंधेरे में देखता हूँ तो ऐसा लगता है एनाबेला की गुड़िया बैठी हुई है.
ऐसे ऐसे कौन से जाने के लिए रखते हैं? वो नराबे की दादी जी ने रखा है वहाँ पे तुम्हें डराने के लिए। डराने के लिए रखा है? हाँ डराने के लिए रखा है। ये देख रहे हो गाइस, तो हमें डर वैसे भी बहुत जल्दी डर जाते हो ना। डरना पड़ता है, दुनिया में रहना है तो बीवियों से डरना पड़ता है। बीवी तो तुम जाने वाला डॉल से डर रहे हो। है वो भी तो बीवी है। किसकी बीवी? तुम्हारी मेरी बीवी यहाँ बैठी है, तो वो फिर वो जो ऊपर बैठी है किसकी बीवी है? वो तुम्हारे पुनर्जन्म की बीवी है। तुम्हारे पिछले जन्म में तुम ऐसी गुड्डे थे ना, तो तुम्हारी बीवी है। उसकी आत्मा घुस रखी है उसके गुड्डे में। मजा नहीं आया तुझे भी। सुमित का खाना हो चुका है और अब मैं अपना घर का काम निपटाऊंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं हम रावे की मालिश करेंगे और रावे को नहलाएंगे। ये देखिए सुमित ने अपना नाश्ता फिनिश कर चुका है और मैं भी अपना किचन का काम कंप्लीट करके आ चुकी हूँ। तो बस अभी मैं थोड़ा बैठी हूँ कि दिल्ली है ना, दिल्ली में बहुत गर्मी होती है, तो मैं अभी किचन से आई हूँ तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं अपना घर का काम स्टार्ट करूँगी, जैसे झाड़ू पोछा करूँगी, अभी नहाऊँगी धोऊँगी, अभी फ्रेश होंगी आराम से। और ये देखो मेरी रावी आ चुकी है मेरे पास। ये देखो ये रो रही है क्योंकि मैंने इसे सबसे पकड़ा नहीं है ना, मॉर्निंग से ये उठ चुकी है तब से मैंने इसे पकड़ा नहीं है, ये रो रही है। या तो ये मधु के पास जाती है तो मम्मी के पास, मेरे पास बहुत कम आती है जी। दादा भी ज़्यादा जाती है, दादा करती है अपने दादा को, जैसे ही वो ऑफिस से आएंगे इतना अपने पापा के पास नहीं जाएगी जितना अपने दादा के पास जाएगी। जैसे दादा ऑफिस से आते हैं ये फटाफट भागते भागते उनके पास जाती है, तो दादा के पास कैसे जाती है। ठीक है चलिए, तो चलिए अब हम रावण के साथ जाने का टाइम हो गया। तो गाइस मेरा हो गया निकलने का टाइम, अब मैं ऑफिस में निकलता हूँ और मैं आपसे मिलूँगा अब शाम को। बाय। बाय। अब रावे अपने कपड़े पहनेगी महीना ही करने के बाद, है ना। ये बहुत रोती है नहाते टाइम पे, अब भी चुप हुई है ये, बस कपड़े पहनते टाइम पे इसको कुछ ना कुछ चाहिए मुंह में रखने के लिए, तो जैसे कि मैंने ये पकड़ा दिया है अब ये चुप रहेगी। और अब मैं इसके कपड़े पहनाऊंगी रावे को। कपड़े पहना दिए हैं मैंने, अब रावे खेल रही है। ये देखो रावू को, ये कितना क्यूट बच्चा है, मम्मा का है। ये मम्मा का क्या है? ये मम्मा का क्यूटी पाई है। हेलो क्यूटी, हेलो क्यूटी, हेलो क्यूटी। तो मम्मा मम्मा से मम्मा मम्मा, ये देख सकते हैं आप, ये फ्रॉक मेरी मम्मी ने बनाई थी रावे के लिए जब हम देहरादून गए थे। देखिए रावे की नानी ने बड़े प्यार से बनाई थी रावे के लिए ये फ्रॉक। And she looks so pretty in this dress. पहले हम इसको लिक्विड करके देते थे, इसको बिल्कुल मैश करके देते थे, अब हम इसको ऐसे ही दे देते हैं, ये ऐसे खा लेते हैं। देखिए कितनी शैतान है ये ना, चढ़ने से ऊपर नीचे करना है, बट बचपन होता ही ऐसा है।
ये इसके ही टाइम होता है जब बच्चे फ्री होके कुछ भी करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वरना जब से स्कूल जाने जाते हैं तब से बच्चे स्कूल का स्ट्रेस, बच्चों को बहुत चीज़ हो जाता है, होमवर्क वगैरह। बच्चा ज़्यादा बड़ा होता है तो बड़े होते होते उनका माइंड बिजी होने लग जाता है। अभी तो छोटे हैं, अभी आराम से यही टाइम है इनका खेलने कूदने का। तैयार हो चुकी हूँ और मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल कर दिया है, मुझे वहीं पे मिल जाएगी। मैं जा रही हूँ बुद्ध बाज़ार कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी रक्षाबंधन आने वाला है तो वहाँ पे क्या क्या रखा होगा, क्या क्या मार्केट में सामान आया होगा, क्या क्या सजावट हो रखी होगी। मैं निकल चुकी हूँ घर से और मेरे पास कैश नहीं है अभी। एक्चुअली तो मैं ATM आ रही हूँ, ATM जा रही हूँ कैश निकालने का। ये देखिए यहाँ पे हाँ लोग बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, छोटा भीम भीम। हाँ वैसे तो लेनी है मुझे, क्यूट सी हो थोड़ी ना। बोलना तो अच्छे पैसे भी देना, मैं आपको बोलेगी मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं हाँ देखो कितने हो गए, 30 और 30 60 मैडम कितने हो गए, दो दो बस। एक एयरिंग है यही लोग जानते हो। मैं आपकी टिकटॉक फैन मैं टिकटॉक में थी, 53K थे मेरे, 536K। ये बहुत बड़ी टिकटॉकर थी, अब मैं कुछ नहीं बनी, अब क्योंकि टिकटॉक बैन हो चुका था, अब ये टिकटॉक यूज नहीं करती। मेरा बच्चा हो गया, मेरा टाइम नहीं वीडियो, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए वीडियोस बनाती रहूंगी इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में आप फॉलो करिए मिकांश एडोरेबल डॉट एडोरेबल। हां तो हम घर की ओर जा रहे हैं, चलिए। मैंने शॉपिंग कर ली है और प्रीति भी अपने घर चली गई है और मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। अब सकता सुमित आ चुके होंगे ऑफिस से, तो वो मेरा वेट कर रहे होंगे, वो आज उनको बोल रहे होंगे कि फिर से पैसे खर्च करके आ गई। पर चलता है, रक्षाबंधन है, फेस्टिवल है, चलता है थोड़ा बहुत। हेलो गाइस, मैं आ गया। बहुत गर्मी है आज, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, इतनी गर्मी लग रही है। आपने कुछ नोटिस नहीं किया अपनी बेटी पे? अरे राबिया के नए शूज, अरे वाह 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 भाई, ये मम्मा लाई है राबिया के लिए अभी मार्केट से, राबिया के नए शूज, वाह। ये देखो राबिया के लिए शूज लाई है मैं, अच्छे लग रहे हैं ना? कमेंट करके बताइए कैसे लगे आपको राबिया के न्यू शूज। आप मार्केट गए थे, आपने मार्केट से लिए गए? हाँ अभी गई थी, सिर्फ 50 रुपीज के हैं। अरे वाह अच्छे हैं ना, काफी अच्छे हैं। देखिए राबिया के लिए एक टॉय भी लाई हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी। बैंगल्स लाई हूँ मैं राबिया के लिए, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको आराम से। राबिया कैसे लग रहे हैं शूज आपको? राबिया तो बहुत खुश हुई है, अभी उसे दूध पीना है ना, इसलिए वो थोड़ा इरिटेट हो रही है, चलिए ठीक है ठीक है। जहाँ से मैं ऑफिस से आता हूँ रास्ते में एक्सप्रेस वे बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इतनी धूल मिट्टी होती है। आप मेरे कपड़ों में देखेंगे ना, अगर मैं झाड़ने बैठूँगा तो 1 किलो मिट्टी निकलेगी, सो मुझे आके फिर दोबारा नहाना पड़ता है, बड़ी आफत होती है नहाने में आने जाने में बार बार। तो अब मैं नहा के थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, आपसे मिलता हूँ फ्रेश होने के बाद। गाइज मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी, और एक्चुअली मेरा जो ऑफिस का रास्ता है वहाँ पे एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन चालू है, तो वहाँ से आते आते कपड़ों में इतनी धूल मिट्टी लग जाती है, पूरे कपड़े जो हैं मिट्टी से सन जाते हैं, सो घर आके मुझे नहाना ही पड़ता है। अगर मैं कपड़ा झाड़ूंगा ना तो उसमें से 1 किलो मिट्टी निकलेगी, फिर आके नहाना ही पड़ता है, ये इशू है।
तो अभी मैं करता हूँ थोड़ा रेस्ट, आपसे मिलते हैं बाद में। रात के बज चुके हैं 9:30 और हमारा हो गया है डिनर का टाइम। डिनर में आज बना है अंडा कढ़ी और रोटी और चावल और चावल और साथ में थोड़ी सी दही भी है, लेकिन मुझे चावल ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं चावल खा रहा हूँ और मधु जो है रोटी खाती है। डिनर करके अभी हम ऊपर जाएंगे और चलिए खा लेते हैं, तब तक मिलते हैं बाद में। रात के बज चुके हैं 10, हम आ गए अपने रूम में और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं भी लगा है तो कर दो यार, फ्री है, फ्री 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 कर दो कर दो कर दो। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।